द रेलवे सर्वेंट्स D&A रूल्स 1968 क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स पार्ट टू। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 उत्तर सहित प्रश्न बैंक भाग दो। मित्रों, कुछ समय पहले मैंने रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 पर आधारित 40 प्रश्नों और उनके उत्तरों का एक क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था। यह क्वेश्चन बैंक आप लोगों के द्वारा बहुत सराहा गया। आज मैं इसका दूसरा भाग अपलोड कर रहा हूं। कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुने समझें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे ही क्वेश्चन बैंक और आगे भी अपलोड करूंगा। अभी बहुत सारे प्रश्न और उनके उत्तर मेरे पास संचित हैं, संग्रहित हैं। उन पर भी वीडियो बनाऊंगा और भाग 3, भाग 4, भाग 5 के रूप में उन्हें अपलोड करूंगा। तो वे सारे वीडियोज आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन यानी कि घंटे का निशान होता है उसको प्रेस करना है, ताकि जब भी इसका भाग 3, भाग 4, भाग 5 अपलोड हो। और इसी तरह से विभागीय भर्ती परीक्षाओं से संबंधित वीडियोज, सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियोज जब मैं अपलोड करूं, तो उनकी सूचना आप तक पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। द लिमिटेशन पीरियड of revocation, of suspension of non-gazetted employee caught red-handed while accepting bribe in trap cases. एक स्थिति दी गई है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि उन मामलों में जबकि घात लगा करके किसी नॉन गजटेड कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो, तब निलंबन के रिवोकेशन की समय सीमा यानी कि समयावधि क्या होगी। आपके पास विकल्प हैं ए 18 माह, बी 6 माह, सी 3 माह, डी नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है बी 6 माह। जब कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा गया हो ट्रैप केसेस के मामले में, घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया हो, तब निलंबन के रिवोकेशन की अवधि होगी 6 माह। तो आपका उत्तर सही है बी। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल। ये प्रश्न संख्या 42 है
इसमें पूछा जा रहा है कि किस नियम के अंतर्गत जांच अनिवार्य नहीं है। विकल्प हैं रूल नंबर 5, ए बी रूल नंबर 14 पार्ट 2, सी रूल नंबर 13, डी नन। कौन सा विकल्प सही है? ए नियम 5, बी नियम 14 का भाग 2, सी नियम 13 और डी इनमें से कोई नहीं। अब इन विकल्पों में से आपका सही उत्तर होगा रूल नंबर 14 सेकंड, नियम संख्या 14 का 2। वह नियम है जिसके अंतर्गत यह उल्लेख है कि इस नियम के अंतर्गत जांच अनिवार्य नहीं है। तो प्रश्न संख्या 42 का उत्तर है बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 43 पर, क्वेश्चन नंबर 43। डी एंड ए रूल्स 1968 विल नॉट अप्लाई टू रेल सेवक आचरण नियम, रेल सेवक अनुशासन एवं आचरण नियम 1968 किस पर लागू नहीं होता है। विकल्प हैं ए परमानेंट एम्प्लॉई स्थायी कर्मचारी, बी अप्रेंटिस यानी कि प्रशिक्षु, सी कैजुअल लेबर विद टेम्परेरी स्टेटस, अस्थाई स्टेटस वाले अस्थाई स्तर वाले आकस्मिक श्रमिक, और डी नन इनमें से कोई नहीं। उत्तर सही है बी अप्रेंटिस, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 अप्रेंटिस यानी कि प्रशिक्षु पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44, वेदर सीनियर सेक्शन इंजीनियर आर एम्पावर्ड टू सस्पेंड अ जूनियर क्लर्क इन स्केल ₹3,050 to ₹4,050 RSRP वर्किंग अंडर हिज कंट्रोल। हिंदी में इसको समझ लेते हैं, क्या सीनियर सेक्शन इंजीनियर को उसके अधीन कार्यरत किसी कनिष्ठ लिपिक वेतन मान जिसका 3,050, 4,050 हो पुराना वाला, उसको निलंबित करने की शक्ति है? क्या निलंबित कर सकते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर अपने अधीन कार्यरत किसी कनिष्ठ लिपिक को, जूनियर क्लर्क को? विकल्प हैं विकल्प ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर सक्षम प्राधिकारी है। बी डिपेंड्स अपॉन ऑफेंस, ए अपराध पर निर्भर करता है कि किस तरह का अपराध है। सी ऑफिस सुपरिंटेंडेंट इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कार्यालय अधीक्षक सक्षम प्राधिकारी है। डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं।
अब देखते हैं कि आपका कौन सा उत्तर सही है। देखिए, सही उत्तर है ए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर इज कंपिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि एक कनिष्ठ लिपिक उसके अधीन कार्यरत है, इसलिए वह सक्षम प्राधिकारी है निलंबित करने के लिए। प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45, इंक्वायरी प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45, इंक्वायरी ऑफिसर्स रिपोर्ट इज टू बी सप्लाइड टू, जांच अधिकारी की रिपोर्ट किसको दी जाएगी? ए, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को, बी, कंट्रोलिंग ऑफिसर को, सी, चार्ज्ड ऑफिसर को, और डी, इनमें से किसी को नहीं। प्रेजेंटिंग यानी कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर को, नियंत्रण अधिकारी को, चार्ज्ड ऑफिसर का मतलब है जिस पर आरोप लगाए गए हों उस अधिकारी को, और डी, नन, किसी को नहीं। उत्तर है सी, जांच अधिकारी की जो रिपोर्ट होगी वह आरोपित अधिकारी को भी मुहैया कराई जाएगी, सप्लाई की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 यानी प्रश्न संख्या 46, ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन अ स्टाफ डज नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एट द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, हु विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन? हिंदी में इसका अर्थ है, एक मंडल से दूसरे मंडल को स्थानांतरित किए जाने की स्थिति में अगर कोई कर्मचारी अपनी तैनाती के नए स्थान पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? विकल्प हैं ए, जीएम यानी महाप्रबंधक महोदय, बी, डी एंड ए अथॉरिटी एट न्यू प्लेस नई तैनाती के स्थान पर अनुशासन एवं अपील प्राधिकारी, सी, डी एंड ए अथॉरिटी एट ओल्ड प्लेस पुराने स्थान पर अनुशासन एवं अपील प्राधिकारी, और डी, नन, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी, बी उत्तर सही उत्तर है, नए स्थान पर अनुशासन एवं अपील प्राधिकारी। क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्न संख्या 47, द नोटिस ऑफ फाइनल पेनल्टी शुड बी साइंड बाई, अंतिम पेनल्टी की सूचना के नोटिस पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? विकल्प हैं ए, इंक्वायरी ऑफिसर, बी, कंट्रोलिंग ऑफिसर,
सी डिसिप्लिनरी ऑफिसर अथॉरिटी डी नन किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? आपके विकल्पों में से देखिए, पहले हिंदी देख लेते हैं, जांच अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी, अनुशासन प्राधिकारी और इनमें से कोई नहीं। अब इन विकल्पों में से आपका सही उत्तर है सी, यानी कि अनुशासन प्राधिकारी, डीए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के हस्ताक्षर होने चाहिए नोटिस ऑफ फाइनल पेनल्टी पर, अंतिम दंड सूचना पर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48, व्हाट वुड बी एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी व्हेन स्टाफ वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DOM एंड मिसकंडक्ट पर्टेन्स टू वायलेशन ऑफ कमर्शियल रूल और सेफ्टी रूल्स। एक स्थिति बताई गई है इस प्रश्न संख्या 48 में, और उसमें उस स्थिति में प्रश्न है कि यदि मंडल परिचालन प्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारी कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर देता है, कदाचार कर देता है, जो कमर्शियल रूल यानी कि वाणिज्यिक नियम अथवा सेफ्टी रूल्स यानी संरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित है, ऐसा यदि कोई कदाचार कोई मिसकंडक्ट वह कर्मचारी कर देता है जो कि मंडल परिचालन प्रबंधक के अधीन कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में उचित अनुशासन प्राधिकारी कौन होगा? विकल्प हैं ए DCM / सीनियर DCM, यानी कि मंडल वाणिज्य प्रबंधक अथवा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, बी DSO और सीनियर DSO, मंडल संरक्षा अधिकारी अथवा वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, सी DOM / सीनियर DOM, मंडल परिचालन प्रबंधक अथवा वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, और विकल्प डी है DPO / सीनियर DPO, मंडल कार्मिक अधिकारी अथवा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी। और इन विकल्पों में से सही उत्तर है सी, यानी कि DOM अथवा सीनियर DOM, मंडल परिचालन प्रबंधक या वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक उसके एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उचित अनुशासन प्राधिकारी होंगे, क्योंकि संबंधित कर्मचारी उन्हीं के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49, ऑल DAR केसेस आर टू बी कंप्लीटेड विद इन द मॉडल टाइम शेड्यूल
फिक्स्ड बाय द रेलवे बोर्ड। सभी अनुशासन एवं अपील नियमों से संबंधित मामले रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित आदर्श समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाते हैं। इसमें ये आदर्श समय अवधि कितने दिनों की है? ए विकल्प दिए हुए हैं 202 डेज 202 दिन, बी 300 दिन, सी 150 दिन, और उत्तर है सी 150 दिन। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित समय अवधि 150 दिन के अंतर्गत ये मामले पूर्ण होने चाहिए। प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50, अंडर विच रूल ऑफ द रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स 1968 द एपीलेट अथॉरिटी कैन एक्ट एज रिवाइजिंग अथॉरिटी। इसमें पूछा जा रहा है कि रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के किस नियम के अंतर्गत अपील प्राधिकारी पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। विकल्प हैं ए रूल नंबर 25 नियम संख्या 25, बी रूल नंबर 25A नियम संख्या 25A, सी रूल नंबर 22 नियम संख्या 22 और डी रूल नंबर 21। डी रूल नंबर 21, सी रूल नंबर 22। आपका सही उत्तर है ए यानी रूल नंबर 25। अब बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर है ए यानी कि रूल नंबर 25। नियम संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 51, प्रश्न संख्या 51। अ चार्ज्ड एम्प्लॉय हैज ए चॉइस फॉर चूजिंग एन असिस्टेंट रेलवे एम्प्लॉय DC, हाउएवर सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज आर बार्ड एज DCs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस आर बार्ड। कोई भी आरोपित कर्मचारी एक DC की नियुक्ति कर सकता है और ये DC जो है कर्मचारियों में से होगा, तथापि कर्मचारियों के कुछ वर्गों को DC के रूप में कार्य करने से अलग कर दिया गया है। Which one of the following classes are barred? इनमें से कौन से वर्ग को बाहर कर दिया गया है, रोक दिया गया है DC के रूप में कार्य करने से? विकल्प हैं ए विजिलेंस इंस्पेक्टर, सतर्कता निरीक्षक,
बी लॉ असिस्टेंट, विधि सहायक, सी रेलवे सर्वेंट्स अंडर सस्पेंशन, निलंबन अधीन रेल कर्मचारी, डी नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब उत्तर इसमें से है डी, यानी कि नन ऑफ द अबव, उनमें इनमें से किसी को भी, किसी पर भी डीसी के रूप में कार्य करने में प्रतिबंध नहीं है, यानी कि सभी उपर्युक्त सभी डीसी के रूप में कार्य कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 52, क्वेश्चन नंबर 42, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन केसेस ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस may be considered by the सेवा से हटाए जाने निकाले जाने के मामलों में रेल कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या निकाले जाने के मामलों में उसकी पुनर्नियुक्ति पर विचार कौन कर सकता है? विकल्प हैं ए रिवाइजिंग अथॉरिटी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, बी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनिक प्राधिकारी, सी हायर देन द रिवाइजिंग अथॉरिटी, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर है सी, यानी कि हायर देन द रिवाइजिंग अथॉरिटी, रिमूवल रिमूव किए गए सेवा से हटाए गए कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति पर विचार पुनरीक्षण प्राधिकारी से उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, किया जा सकता है। तो उत्तर सही है सी। प्रश्न संख्या 53, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन इज, देखिए नीचे विकल्प दिए गए हैं, ए मेजर पेनल्टी, बी माइनर पेनल्टी, सी नन यानी कि इनमें से कोई नहीं, और डी बोथ ऑफ दी यानी कि इनमें से दोनों ही। समझ लेते हैं प्रश्न क्या है। बिना संचयी प्रभाव के है कौन सा और है पेंशन पर में विपरीत प्रभाव डाले बिना आरोपित किसी कर्मचारी का बिना संचयी स्केल में प्रभाव के लोअर और उसकी पेंशन को बिना या पदावनन बिना जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक ना हो प्रभावित किए, तो उसको प्रभावित ऐसी किए पेनल्टी को क्या कहा जाएगा? 3 वर्ष तक विकल्प की अवधि मेजर पेनल्टी के लिए दीर्घ शास्ति, माइनर पेनल्टी टाइम स्केल ऑफ लघु शास्ति
या छोटी शास्ति, सी किसी लोअर, इनमें से कोई नहीं, निम्न और डी पर, बोथ ऑफ दीज पदावनन उपर्युक्त दोनों ही। देखिए एक होता है पदोन्नति, तो इसमें से और दूसरी सही उत्तर क्या होगा? और उत्तर है आपका बी, यानी कि माइनर पेनल्टी। इसको कहते हैं माइनर पेनल्टी, लघु शास्ति। अब आते हैं प्रश्न संख्या 54, क्वेश्चन नंबर 54 पर। पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय, जिनका नाम लिया जा रहा है ए, पेनल्टियां। किसके द्वारा आरोपित की जाएंगी, किसके द्वारा इंपोज की जाएंगी, की जानी चाहिए, कौन सी पेनल्टियां? कंपल्सरी रिटायरमेंट की पेनल्टी, रिमूवल और डिसमिसल की पेनल्टी, सेवा से कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस सेवा से हटाया जाना या बर्खास्त किया जाना, किसके द्वारा ये पेनल्टियां, ये दंड अधिरोपित किए जाएंगे? विकल्प हैं ए, कंट्रोलिंग ऑफिसर, बी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डी नन। उत्तर है सी, उत्तर है सी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये जो पेनल्टियां हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, नौकरी से हटाया जाना या नौकरी से बर्खास्तगी, ए की जाएंगी सी के द्वारा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रश्न संख्या 55। द फॉलोइंग आर नॉट अ पेनल्टी अंडर डी एंड ए रूल्स, इनमें से निम्नलिखित में से कौन अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत पेनल्टी नहीं है? का सेंसर, ए है सेंसर, यानी जिसको कहते हैं परिनिंदा, बी वार्निंग, सी स्टॉपेज ऑफ पास, डी द रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पेंशनरी लॉस। इन चार में से, चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुशासन एवं अपील नियमों में एक दंड नहीं है, शास्ति नहीं है, पेनल्टी नहीं है? आपका सही उत्तर है बी, यानी वार्निंग, चेतावनी। चेतावनी एक शास्ति नहीं है, चेतावनी की गिनती दंडों में नहीं होती है।
प्रश्न संख्या 56, क्वेश्चन नंबर 56, वेदर एडहॉक प्रोमोटी ऑफिसर्स आर कंपेटेंट टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। प्रश्न संख्या 56 में पूछा जा रहा है कि क्या तदर्थ प्रमोटी अफसर अनुशासनिक प्रक्रिया यानी अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने में के लिए सक्षम हैं? आंसर है नो, नहीं सक्षम है। तदर्थ प्रमोटी अफसर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सक्षम नहीं है। प्रश्न संख्या 57, क्वेश्चन नंबर 57, विच पेनल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सर्विस सीट। सेवा पत्रक में, सेवा पुस्तिका में कौन सी पेनल्टी, कौन से दंड को नहीं दर्ज किया जाता है, नहीं लिखा जाता है? विकल्प हैं ए, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि को रोका जाना, बी, स्टॉपेज ऑफ पासेस, पासों को रोका जाना, सी, वार्निंग, डी, सेंस्योर, सी है चेतावनी, डी है सेंस्योर यानी परनिंदा, और ई, नन। कौन सा जो है उसको सर्विस सीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? इसका उत्तर है सी, यानी कि वार्निंग को सर्विस सीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रश्न संख्या 58, व्हाइल फॉरवर्डिंग अपील्स अंडर रूल 21(3) ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स D&A रूल्स टू द अपीलेट अथॉरिटी, शुड कन्फर्म इट्स कमेंट्स टू हिंदी में समझते हैं, व्हाइल फॉरवर्डिंग अपील्स अंडर रूल 21(3) ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स D&A रूल्स टू द अपीलेट अथॉरिटी। अपील प्राधिकारी को नियम संख्या 21 के भाग 3 कौन सा, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के नियम संख्या 21 भाग 3 के अंतर्गत अपील प्राधिकारी को अपीलों को अग्रसारित करते समय should confirm its comments to, इसके comments को की पुष्टि करनी चाहिए। विकल्प है ए, the points raised in the appeal only, अपील में उठाए गए बिंदुओं को पर केवल अपील में उठाए गए बिंदुओं पर, बी, कमेंट्स ऑन एनी एक्सट्रेनियस सर्कमस्टांसेस
on which the charged official had no opportunity to explain his position. किसी ऐसी परिस्थिति जिसमें कि आरोपित अधिकारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर न प्रदान किया गया हो, उस पर टिप्पणी। सी डिस्कस पास्ट केसेस, पुराने मामलों की चर्चा। डी कमेंट्स ऑन हिज पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व पर चर्चा। इनमें से कौन सा कमेंट होना चाहिए? और आपका उत्तर है ए, उत्तर है ए, यानी कि पॉइंट्स रेज्ड इन द अपील ओनली, अपील में उठाए गए बिंदुओं पर जो टिप्पणियां हों उन्हीं को, उन्हीं की पुष्टि की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, वेदर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर कैन एक्ट एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन द केस ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ डिप्टी एसएस वर्किंग अंडर डीओएल। वेदर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर, क्या मंडल संरक्षा अधिकारी है? कैन एक्ट एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, एक अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं उस मामले में जबकि मंडल परिचालन प्रबंधक के अधीन कार्यरत उप स्टेशन अधीक्षक द्वारा कोई मिसकंडक्ट किया गया हो। मंडल परिचालन प्रबंधक के अधीन कार्यरत डिप्टी एसएस यानी उप स्टेशन अधीक्षक द्वारा किए गए किसी मिसकंडक्ट के मामले में क्या मंडल संरक्षा अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी बन सकते हैं, हो सकते हैं? देखिए, इसके विकल्प हैं ए डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर इज कॉम्पिटेंट, मंडल संरक्षा अधिकारी सक्षम है। बी डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर इज नॉट कॉम्पिटेंट, सक्षम नहीं है। सी डिविजनल पर्सनल ऑफिसर इज कॉम्पिटेंट, मंडल कार्मिक अधिकारी सक्षम है। None of these, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी, डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर इज नॉट कॉम्पिटेंट, सक्षम नहीं है मंडल परिचालन प्रबंधक के अधीन कार्यरत उप स्टेशन अधीक्षक द्वारा किए गए मिसकंडक्ट के मामले में अनुशासन प्राधिकारी बनने के लिए मंडल संरक्षा अधिकारी सक्षम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न संख्या 60,
whether issuance of inquiry or counseling or government displeasure can constitute a penalty under D&D rule. प्रश्न संख्या 60 कह रहा है whether issuance of inquiry, क्या जांच जारी किया जाना जांच या काउंसलिंग या गवर्नमेंट डिस्प्लेजर सरकार की तरफ से अप्रसन्नता से अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है ए इसके विकल्प हैं ए इज ए पेनल्टी अंडर डी एंड ए रूल्स यानी कि अनुशासन अपील नियमों के अंतर्गत पेनल्टी है बी इज नॉट ए पेनल्टी अंडर डी एंड ए रूल्स अनुशासन अपील नियमों के अंतर्गत पेनल्टी यानी दंड नहीं है All are penalty under D&D rules. अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत सभी पेनल्टी हैं और none of these इनमें से कोई नहीं. इस प्रश्न का सही उत्तर है B, यानी कि is not a penalty under D. एंड ए रूल्स. प्रश्न संख्या 61 क्वेश्चन नंबर 61 कैन ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑर्डर फॉर स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट अंडर रूल 6 ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स डी एंड ए रूल्स 1968 इफेक्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस of order or from date of next increment due can a disciplinary authority's order for stoppage of increment under rule 6 of the railway servants D&A rules 1968 rail sevak anushasan evam appeal niyam 1968 के नियम 6 के अंतर्गत अनुशासन प्राधिकारी का वेतन वृद्धि रोकने संबंधी आदेश कब से प्रभावी होगा क्या यह जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा अथवा अगली वेतन वृद्धि की तारीख से यह प्रभावी होगा विकल्प हैं ए इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर यानी कि आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा बी इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट अगली वेतन वृद्धि की तारीख से यह प्रभावी होगा सी फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ए पीछे की तारीख से प्रभावी हो जाएगा और डी नन ऑफ दी जिनमें से कोई भी नहीं और इसका उत्तर है आंसर है बी का मतलब हुआ कि इट विल इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट
वेतन वृद्धि रोकने संबंधी आदेश अगली वेतन वृद्धि की तारीख से प्रभावी होगा। तो इसका उत्तर हुआ बी सही। प्रश्न संख्या 62, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द परमिसिबल टाइम लिमिट फॉर प्रीफरिंग अ रिवीजन पेटिशन टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी पुनरीक्षण प्राधिकारी को पुनरीक्षण पेटिशन दिए जाने की अनुमेय समय सीमा क्या है, स्वीकार्य समय सीमा क्या है। विकल्प है 60 डेज ए 60 दिन, बी 45 डेज 45 दिन, सी 90 डेज 90 दिन, डी नन, इनमें से कोई नहीं। और उत्तर है बी यानी कि 45 डेज अनुमेय समय सीमा है, 45 डेज। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्न संख्या 63, विच रूल्स कम्स अंडर व्हेन रिवीजन पेटिशन इज नॉट प्रिफर्ड विद द टाइम लिमिट। कौन से नियम आते हैं अगर कौन से नियम लगते हैं अगर पुनरीक्षण पेटिशन इज नॉट प्रिफर्ड विद इन द टाइम लिमिट, समय सीमा के अंतर्गत अगर पुनरीक्षण याचिका को आगे न बढ़ाया जाए तो उसकी मतलब बढ़ाने के लिए निर्धारित समय अवधि क्या है और वो किस नियम के अंतर्गत ये है। अब विकल्प में है ए रूल नंबर 25, बी रूल नंबर 27, सी नन ऊपर में कोई नहीं और डी रूल नंबर 22। और आंसर है बी यानी कि रूल नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 64, नियम संख्या 64, अंडर विच सर्कमस्टांसेस एक्स पार्टे इंक्वायरी कैन बी हेल्ड, किन परिस्थितियों के अंतर्गत एक पक्षीय जांच की जा सकती है। वो परिस्थितियां बताई गई हैं विकल्प के रूप में, ए चार्ज ऑफिशियल डज नॉट अपीयर बिफोर आईओ मोर देन टू ओकेजंस। एक परिस्थिति है ए में जो दर्ज है कि आरोपित पदाधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर के समक्ष दो बार से अधिक अपीयर ना हुआ हो, प्रस्तुत ना हुआ हो। बी दूसरी परिस्थिति है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर मस्ट
प्रेजेंटिंग ऑफिसर नॉट अपीयर बिफोर आईओ, प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, इंक्वायरी ऑफिसर के समक्ष उपस्थित ना हुआ हो। सी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नॉट अपीयर बिफोर आईओ, अनुशासन प्राधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर के समक्ष उपस्थित न हुआ हो, और डी, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। और इसका उत्तर है ए, यानी कि चार्ज ऑफिशियल डज नॉट अपीयर बिफोर आईओ मोर देन टू ओकेजन्स, आरोपित पदाधिकारी यानी कर्मचारी इंक्वायरी ऑफिसर के समक्ष दो ओकेजन, दो बार से अधिक उपस्थित ना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 65, प्रश्न संख्या 65। कैन एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 6 ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स डी एंड ए रूल्स बी इम्पोज्ड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? नियम 65 है। नियम संख्या 6 में निर्दिष्ट पेनल्टी में से क्या कोई भी पेनल्टी रेल सर्वेंट, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के नियम 6 के अंतर्गत निर्दिष्ट शास्तियों में से क्या कोई भी शास्ति पूर्व प्रभाव से प्रभावी हो सकती है? ये है प्रश्न, और प्रश्न संख्या है 65। विकल्प हैं ए, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि पूर्व प्रभाव से प्रभावी हो सकती है। बी, बोथ आर प्रोस्पेक्टिव एंड इमीडिएट इफेक्ट एज एडमिसिबल, जैसा कि स्वीकार अनुमेय हो, दोनों हो सकता है कि प्रोस्पेक्टिव और इमीडिएट इफेक्ट से हो सकता है प्रभावी। सी, ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हमेशा आगे के प्रभाव से प्रभावी होगा। डी, नन ऑफ दीज, और इन में से उत्तर सही है डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 66 पर, प्रश्न संख्या 66। ड्यूरिंग द pendency of a penalty of stoppage of past PTO, whether promotion of a railway staff will be affected during the pendency of penalty of stoppage of past PTO, past PTO को रोके जाने की पेनल्टी पेंड हो, लंबित हो, और उसके दौरान क्या किसी रेल कर्मचारी के का प्रोमोशन यानी कि उसकी पदोन्नति प्रभावित होगी? विकल्प हैं ए, प्रमोशन विल बी अफेक्टेड, पदोन्नति प्रभावित होगी। ए,
बी प्रमोशन विल नॉट बी अफेक्टेड, पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी। सी प्रमोशन विल इफेक्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पनिशमेंट, पदोन्नति दंड के समाप्त होने के बाद, दंड के पूर्ण हो जाने के बाद प्रभावी होगा। और डी नन ऑफ दीज, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। और आपका सही उत्तर है बी, सही उत्तर बी है। बी का मतलब है प्रमोशन, प्रमोशन विल नॉट बी अफेक्टेड, पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी। प्रश्न संख्या 67, क्वेश्चन नंबर 67। व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू होल्ड एनी इंक्वायरी अंडर रूल 9 ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स डी एंड ए रूल्स, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के नियम 9 के अधीन, जब जांच कराया जाना प्रैक्टिकल न हो, व्यवहार्य न हो, उस स्थिति में वेदर रिमूवल डिसमिसल कैन बी डायरेक्टली ऑर्डर्ड, क्या सेवा से हटाया जाना और सेवा से बर्खास्तगी का सीधा आदेश किया जा सकता है। अब इसके विकल्प हैं ए रूल नंबर 6, बी रूल नंबर 14(2), सी रूल नंबर 13, डी रूल नंबर डी नन। उत्तर है आपका बी, आंसर इज बी, जिसमें कि कहा गया है रूल नंबर 14 सेकंड, रूल नंबर 14 का 2। प्रश्न संख्या 68 है, क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द करेक्ट रूल अंडर रेलवे सर्वेंट रूल्स डी एंड ए फॉर कॉमन प्रोसीडिंग्स, सामान्य कार्यवाहियों के लिए रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत सही नियम क्या है? विकल्प हैं रूल नंबर 14, रूल ए, विकल्प ए है ऑप्शन ए रूल नंबर 14, ऑप्शन बी रूल नंबर 18, ऑप्शन सी रूल नंबर 13, डी नन। उत्तर है आपका सही आंसर नंबर, आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 सही है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रश्न संख्या 69। अंडर विच रूल बिफोर डिस्पोजिंग द रिवीजन पिटीशन बाय द जनरल मैनेजर द केस शुड बी रेफर्ड टू आरआरटी फॉर एडवाइस। अंडर विच रूल, किस नियम के अंतर्गत, बिफोर डिस्पोजिंग द रिविजन पेटिशन बाय द जीएम, महाप्रबंधक महोदय द्वारा पुनरीक्षण याचिका का निष्पादन किए जाने के पूर्व मामले को सलाह के लिए, परामर्श के लिए आरआरटी को भेजा जाना
चाहिए को संदर्भित किया जाना चाहिए, आरआरटी को संदर्भित किया जाना चाहिए। विकल्प हैं अंडर विच रूल कह रहा है, तो किस नियम के अंतर्गत आपके विकल्प हैं, रूल नंबर 14(1), बी रूल नंबर 31, सी रूल नंबर 24, और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूल नंबर 24 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न संख्या 70, इज इट नेसेसरी द इंक्वायरी ऑफिसर शुड बी सफिशियंटली सीनियर इन रैंक टू द चार्ज्ड ऑफिशियल, क्या यह अनिवार्य है, आवश्यक है कि जांच अधिकारी को रैंक में आरोपित पदाधिकारी से पर्याप्त वरिष्ठ होना चाहिए, क्या यह नेसेसरी है, अनिवार्य है। विकल्प हैं ऑलवेज, आईओ शुड बी सीनियर, इंक्वायरी ऑफिसर को वरिष्ठ होना चाहिए, बी आईओ मे बी जूनियर, इंक्वायरी ऑफिसर जूनियर हो सकता है, कनिष्ठ हो सकता है, सी 10 मे बी इक्वल इन रैंक विद सीओ, इंक्वायरी ऑफिसर चार्ज्ड ऑफिसर के बराबर रैंक का हो सकता है, और डी नन ऑफ दीज। तो इन चार विकल्पों में से, चार ऑप्शंस में से सही उत्तर है ए, सही उत्तर है ए, यानी कि सही उत्तर है ए, ऑलवेज इंक्वायरी ऑफिसर शुड बी सीनियर, कि सदैव ही जांच अधिकारी को आरोपित अधिकारी से सीनियर यानी कि वरिष्ठ होना चाहिए, ऐसा अनिवार्य है। तो आज हमने देखे 30 प्रश्न अनुशासन एवं अपील नियम, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में, ये जो प्रश्न बैंक अपलोड किए जा रहे हैं मेरे द्वारा, तो इसके पहले भाग में हमने 40 प्रश्न और उनके उत्तर पढ़े समझे। अब इस वीडियो में 30 प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न और उत्तर मेरे पास में हैं, मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, उन्हें अगले वीडियोज में मैं डालूंगा, जो अनुशासन एवं अपील नियम 1968 पर आधारित प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक की श्रृंखला में Part 3, Part 4, Part 5, Part 6 के रूप में होंगे। तो मित्रों, आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको करना है हमारा यह चैनल सब्सक्राइब,
और नोटिफिकेशंस यानी कि सूचनाएं आपको प्राप्त हों, इसलिए नोटिफिकेशन का जो आइकॉन लाल रंग की घंटी के रूप में स्क्रीन के पास नजर आ रहा है उसको आपको दबा देना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को दबाना है, इससे आपको हमारे भविष्य में आने वाली वीडियो प्राप्त होंगे। ये वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।